आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लिखते हैं फिर बाद में बात करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि लगभग लगभग 12 मार्क्स के लिए आ जाएगा आपको एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जाम में 12 मार्क्स लाएगा। इस 12 मार्क्स के दो पार्ट हो सकते हैं, आपको 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आ सकता है मैंने बोला, और नहीं भी आ सकता है, आने के चांसेस रेशियो को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम्स आएगा, सम्स आएगा 10 मार्क के लिए, और ये कंपलसरी नहीं होगा, ये ऑप्शन में आएगा। कैसे ऑप्शन में आएगा वो भी देख लो। एग्जाम में एडमिशन आ सकता है, रिटायरमेंट आ सकता है, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर आ सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है अपने साथ एग्जाम में। एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकते हैं, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर हो सकता है। अगर ये इसके ऑप्शन में 10 मार्क का सम्स आएगा, इसके ऑप्शन में एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर आएगा, चैप्टर के नाम है ये सब। ये तीनों में से ऑप्शन में को भी एक आएगा, ये तीनों में से को भी एक आएगा, जिसके ऑप्शन में तीनों में से को भी एक आएगा, ये तीनों में से को भी एक आएगा, जिसके ऑप्शन में तीनों में से को भी एक आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं तुमको उसके बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के देता हूं कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। तो ये तीनों में से पहले, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में से मान लो कि एडमिशन आएगा, तो उसके ऑप्शन में या फिर रिटायरमेंट आएगा या फिर डेथ आएगा। मतलब एडमिशन को एडमिशन ऑप्शन नहीं आएगा, रिटायरमेंट को रिटायरमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर को डेथ ऑफ पार्टनर ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन। ये दूसरा हो सकता है, पहले ऑप्शन में रिटायरमेंट आए और दूसरे में एडमिशन आ सकता है या फिर डेथ ऑफ पार्टनर आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन के आ सकता है। या पहले ऑप्शन में डेथ ऑफ पार्टनर आए तो दूसरे ऑप्शन में एडमिशन आ सकता है या फिर रिटायरमेंट आ सकता है, ठीक। बस इतना ही ऑप्शन है। तो गौर से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि दो चैप्टर ऐसे है जो निहायत ही इंपॉर्टेंट है। कौन आई थी? निहायत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आएगे आएगे, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडमिशन रिटायरमेंट। मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर नहीं सिखाने वाला हूं, आपको मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा, रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा। उसकी वजह सुन लो क्या है। एडमिशन अगर आ गया आपको, ये चैप्टर का नाम है, एडमिशन चैप्टर अगर आ गया, ऑटोमेटिकली देखेंगे तुमको रिटायरमेंट आ गया, मतलब ये 90% आ गया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ऐसा अपना करिश्मा है, करीना से बनती नहीं तो करिश्मा है। तो एडमिशन जैसे ही हमको पूरा सम्स आ जाएगा, तुरंत तुम देखोगे रिटायरमेंट भी ऑलमोस्ट 90% आपको आ रहा है। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर से थोड़ी उलझन है, उलझन इस बात के लिए है कि उसमें समझता नहीं कि जनरस कब बनाना है, लेजर कब बनाना है। चलो कैसे वैसे किसी स्टूडेंट ने समझ भी लिया, मालूम नहीं पड़ता कौन सा पार्टनर मरा। अच्छा, कैसे वैसे किसी ने बर्दाश्त कर दिया, उसको मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा लेजर बनाओ, रिवैल्यूएशन बनाओ कि नहीं बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ कि नहीं बनाओ, कि सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ सुखी, उसको समझ में नहीं आता क्या बनाओ। तो उसके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इस वजह से ये नहीं पढ़ना। और ये तो बोलने वाली बात है, लेकिन रियलिटी ये है, आप एग्जाम्स के अंदर तू तू मैं करते बैठोगे, मतलब ऑप्शन चूज करते बैठोंगे, ये करूं नहीं दे रिटायरमेंट अच्छा था, ये करता न करे देता पार्टा करता, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं न को ये करता न को ये 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 तो ये में प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ गया, प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी बात, एग्जाम्स के पहले तुम अननेसेसरी ऐसी चीजों पर ध्यान दोगे जिसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए एग्जाम में फोकस लेना, और अपने को फोकस यहां रखेंगे तो फिर फोकस नहीं होता है, वो एक ही जॉब पे फोकस। हाँ, मुझे ये पढ़ना है
वो क्या है, एडमिशन रिटायरमेंट है। तो मैं आपको रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ाने वाला हूं। किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा, सर हमने फीस तो पूरी भर डाले लेकिन तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए मैं 3 बजे के बाद मैं क्लास कंडक्ट करूंगा। आपको अगर पढ़ना होगा डेट ऑफ पार्टनर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बैच में मैं आपको डेट ऑफ पार्टनर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। थ्योरी जरूर पढ़ाऊंगा उसकी, लेकिन डेट ऑफ पार्टनर के सम जिसको पढ़ना है उसको अलग से नई बैच में आना पड़ेगा ये सम सीखने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे और इमीडिएटली आगे के चैप्टर के लिए स्विच करेंगे। खैर किसी को यहां तक तकलीफ है तो बोलो, ठीक है मिटाओ। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है उस आने के तरीके को, प्रोसीजर को, स्टेप्स को, प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि नए पार्टनर बिजनेस के अंदर आया उसको बोलते एडमिशन, ना रे बाबा ना। नए पार्टनर के बिजनेस में आने के तरीके को, प्रोसेस को, स्टेप्स को, प्रोसीजर को हम लोग बुलाते क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी लिखता हूं, थोड़ा थोड़ा आप भी लिखो, व्हाट डू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस बोलो, प्रोसीजर बोलो, बाय विच अ न्यू It is a process by which a new partner is admitted in the partnership. एक तरीका है जिससे हम नए पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप में एडमिशन दिलाते हैं। तो कभी कभार स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, तो मुझे बोलता है कि सब जब नया पार्टनर एडमिट होता, एडमिट मतलब एंट्री लेता, तो क्या होता, वेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, यानी पुरानी खत्म हो जाएंगी पार्टनरशिप एंड A new partnership is formed. It is also known as reconstitution of partnership firm. Reconstitution means batini, change in a relationship among the partner. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब एक प्रोसीजर है बाय विच अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। एक तरीका, एक प्रोसेस, एक स्टेप्स जिससे हम नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिशन देते हैं। लेकिन जैसे ही नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन देते तो पुराने को बंद करना पड़ता, नए को स्टार्ट करना पड़ता, यानी पुराने रिश्ते को नस्ते नाबूद करना पड़ता, खत्म करना पड़ता, बंद करना पड़ता और नया
सिलसिला चालू करना पड़ता, न्यू पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड, आप लिखो मत, ध्यान दो, इट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाते हैं, बड़ा नाम है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उस रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग्स पार्टनर। मैं पहले समझाता हूं क्या है, समझो, देखो तीन पार्टनर है, एक का नाम है प्रियंका, नाम तो सुनाऊंगा तुमने, प्रियंका चोपड़ा, सुन लो जरा, इतनी जल्दी क्या, देखो बेटा, प्रियंका चोपड़ा। दूसरा नाम है सोनाक्षी सिन्हा, आपने नाम सुनाऊंगा। ये दोनों भी बिजनेस करते थे और इनको लग रहा था कि बिजनेस के अंदर हमको एक और 1.5 लाख रुपए चाहिए, ना तो प्रियंका के पास है पैसा वो, ना तो सोनाक्षी के पास है, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड करे क्यों ना हम एक पार्टनर बिजनेस में लेकर आए, वो है मैं। ढूंढे से नहीं मिल रहा था ऐसा पार्टनर, तो मुझे बोले सर आप मेरे पार्टनर बनोगे, बोला देखूंगा टाइम है, तो बन जाता तुम्हारा पार्टनर, तो बन गया उनका पार्टनर और 1.5 लाख रुपए देके बन गया। तो ये दो पार्टनर्स को हम लोग बुलाएंगे ओल्ड पार्टनर, ये तो सुनाऊंगा, ये पार्टनर को अपन बुलाएंगे इनकमिंग पार्टनर, या इसी का एक और नाम क्या पड़ेगा, न्यू पार्टनर, ध्यान समझना। अब ये जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो आएगा उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम लोग बुलाएंगे क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये नए पार्टनर के बिजनेस में आने से बहुत सारा उथल पुथल होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है, वो चेंजेस क्या होंगे, कैसे होंगे देखेंगे अपन। तो ये जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा उस तरीके का ही नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट इज अ प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब स्टेप्स बाय विच अ न्यू पार्टनर मतलब ये इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। जब हम नए को बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में लेकर आते हैं तो पुराने पार्टनरशिप हो जाती है बंद, पुरानी पार्टनरशिप क्या होती, बंद, और बंद होने के बाद में नई पार्टनरशिप आती, न्यू पार्टनरशिप आती। क्या होता, पुरानी होती बंद और नई होती चालू, क्यों, क्योंकि एडमिशन दे दिया, उसकी बाद में वजह बताऊंगा क्या है। तो पुरानी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ता, नई को चालू करना पड़ता, नई को पुराने को बंद करो, नई को चालू करो, पुराने को बंद करो मतलब डिसॉल्व करो, तो मतलब ये एक और तरीका है डिसोल्यूशन का। जब पुराने को बंद करते नई को चालू करते उसी का नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक कंपनी के कायदे कानून रूल्स, और उसको दोबारा बनाने का तो उसको बोलते रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की नौबत 3 वजह से आ सकती है आपको, ज्यादा वजह है पर मुख्य 3 वजह है तुम्हारे 12th के लिए, चलो 2 वजह बोलता, तुम भी याद करेंगे पापा शांगो कौन था। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपके रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने की नौबत 3 वजह से आ सकती है, एक नए के आने की वजह से, एडमिशन की वजह से, और पुराने के छोड़ के जाने के वजह से। एक तो नए के आने के वजह से आपको रूल रेगुलेशन चेंज करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, और नए जो एग्जिस्टिंग है उसके छोड़ जाने पर, एग्जिस्टिंग जो छोड़ता है वो 2 वजह से, एक रिटायरमेंट की वजह से छोड़ देगा और दूसरा डेथ हो जाएगी तो छोड़ेगा, मर गया तो आपको कायदे कानून चेंज करना पड़ेगा, वो कायदे कानून उसी के एप्लीकेबल होंगे। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे घर में भी रूल्स और रेगुलेशन है, आप भी होंगे, सबके घर में होते हैं, मैं अपने घर की बात बोलता हूं क्योंकि मुझे आपका नहीं मालूम। तो मेरे घर में क्या रूल्स और रेगुलेशन है, मेरे घर में रूल्स और रेगुलेशन ये है कि 7 बजे के बाद में हर कोई घर में चाहिए, 7 के बाद में कोई घर से बाहर नहीं आएगा, ऐसा रूल्स और रेगुलेशन है, मेरे डैडी ने बना के रखे और आज भी उसको फॉलो किया जाता है। जब गर्मी की सीजन होंगी तब वो रूल्स को जरा वो कंसेशन देते हैं, बोलते कि 8 या 8:30 बजे, बस 8 साढ़े 8, उसके बाद में देर से आना तो गुना है और घर से बाहर जाना तो भी गुना है, नहीं आ जा सकते, जाने की परमिशन मिलती नहीं और जाने देते नहीं, आज भी देते नहीं हमको जाने के लिए, 7 बज गए ना तो घर में बनता, हाँ 1-2 लोग के लिए ढील है लेकिन बाकी लोग के लिए
तो आपको 7 बजे तो घर में रहना है, उसके पहले आपको जो भी काम धंधे करके आना वो आ जा सके। ऐसा रूल पहले से रूल है, अभी रूल है। तो रूल ये है क्या, देखो ये रूल है, वो कितने मेंबर्स लोग के लिए है, घर के ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग के लिए मेंबर्स के लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये मैं हूं, इधर तुम्हारे सर है। अब ये घर में नया मेंबर आया, तुम्हारी मैम आई, तो ये रूल्स और रेगुलेशन इनके लिए भी होगा। तो ये जो रूल के अंदर नाम लिखाना पड़ेगा, मैम का भी नाम लिखाना पड़ेगा, तो फिर से अपने क्या करना पड़ेगा, रूल को चेंज करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। फिर मेरे 2 डेबिट और क्रेडिट, समझ रहे ना, हाँ, मेरे 2 अनमोल रतन वो भी दुनिया में आए, तो जैसे उन दुनिया में आए तो कायदे में उनका भी नाम रखना पड़ेगा, है ना, कायदा बन रहा तो उनके लिए भी होगा। तो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन करो, फिर से नया रूल्स और रेगुलेशन बनाओ। मैं एक दिन छिड़ गया, एग्जाम्पल है, मैं एक दिन छिड़ गया, मैंने बोला अब्बू नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मतलब तू 11 बजे आऊंगा, मेरी मर्जी। अब्बू ने बोले घर से निकल जा, मैंने बोला ठीक है मैं घर से निकल रहा हूं, मैं घर छोड़ के चले गया। तो ये रूल्स और रेगुलेशन, अब ये जो रूल्स और रेगुलेशन बने वो मेरे लिए नहीं है, बाकी के लिए, अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो घर में कोई आता है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन, घर छोड़ के कोई जाता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कायदा कानून चेंज करना, जो बिजनेस जो कायदे कानून चल रहा है वो कायदे कानून को आप चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो, उनके रिलेशनशिप में चेंज आएगा, चेंज आ जाएगा, तो उसी का नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर दोबारा पढ़ता हूं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ नवा पार्टनर, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में नए पार्टनर को लेकर आने के तरीके का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। When a new partner is admitted, admitted मतलब इधर admission दे रहे हैं उसको, old partnership comes to an end, पुराने partnership को बंद करना पड़ेगा, और and a new partnership is formed, पुराना बंद नया form हुआ, पुराना बंद हुआ तो पुराने 2 लोग का था, नया form हो रहा, please, पुराना बंद कर रहे तो 2 लोग का था, और नया क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो वो 3 लोग का था, कुछ फर्क समझ में आ रहा। पुराने में कितने लोग थे, सिर्फ 2, नया आया तो कितने लोग है, 1, 2, 3। तो पुराने को बंद करो, नए को चालू करो, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया, यहां तक डाउट चले बोलो, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ता, उसकी वजह क्या है, बहुत बड़ी वजह है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब कभी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके आने से, और आने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ 2 एग्जांपल लेता हूं, उस 2 एग्जांपल पे से आप बोलना, किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करवाए, ऑब्वियस लड़की से शादी कराएंगे, घोड़े गाड़ी से कहां से शादी कराएंगे, बराबर। तो शादी करवाए, तो शादी करवाने से पहले लड़की जब 7 फेरे रहती, लेने के बाद शादी तय हो गई, हाँ बोल दिए, साइन वेन कर दिए, शादी हो गई, आधे घंटे के बाद में उसने डिवोर्स दे दी, इमीडिएटली स्टेज से उतरी, बोलती नहीं अब मेरे को डिवोर्स देने का है। तो प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो भी थी वो हस्बैंड की, 5-2 करोड़ रुपए था, अब वो उसमें हिस्सा किसका होगा, वाइफ का भी हिस्सा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल था, आपने ऋतिक रोशन का नाम सुने, मेरा फ्रेंड है, नाम सुने, और मेरे एक और फ्रेंड है सुजैन खान, नाम सुने, उसके वाइफ थी, दोनों ने शादी किए, लव मैरिज थी उनकी, शादी किए, कुछ साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, बराबर है। डिवोर्स होने के बाद में ऋतिक रोशन ने उसको करोड़ों रुपए पे किया, क्यों, क्योंकि करोड़ों रुपए इसके अंदर ऋतिक रोशन की, सुजैन जो है वाइफ, उसके अंदर उसका भी राइट है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसको जैसे पार्टनर बना देंगे, जैसे पार्टनरशिप बन गया तो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर इसका भी राइट आ जाएगा, समझा। एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि मम्मी ने आइसक्रीम लेकर आए, दुकान से आइसक्रीम लेकर आए, जैसे आइसक्रीम लेकर आए तो बाजू वाले के बच्चे ने देख लिया, ओ घर में आइसक्रीम आ रहा है, माय गॉड माय गुडनेस आइसक्रीम आया घर में, तो गच्चू गच्चू दबे दबे पाव आया, घर में 2 बच्चे थे, बाजू वाले का बच्चा घर में आएगा तो हिस्सा मांगेगा मांगेगा, और हिस्सा देना ही पड़ेगा, बाजू वाला है, जैसे पार्टनर बन गया तो उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा,
पुरालों में। तो इस वजह से पुराने को बंद करो और नए पार्टनरशिप को लेकर आओ, इस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता। फिर से बोलता हूं, जब ये पार्टनर बनेगा, जब ये घर में आ जाएगा, जब पार्टनर बन जाएगा, तो इसके पास में जो जो होगा ना वो सब ले लेगा, ये मेरा है, राइट मांगा, मेरा भी है, मेरा भी है। तुम आत्म एक्सपीरियंस करूंगा, बाजूले का बच्चा घर में आया बोलता मेरे को दो ना, ऐसा ना बोलता, मांगता मांगता है वो। तो मम्मी क्या करती है, उसके आने से पहले दो बच्चे बोलते है पापा साइड में और अगले पिछले बाजूले रूम में देख आइसक्रीम देख आया गच्चू से खा ले, बाजूला आएगा खा लेगा। बोलती है कि तुम्हारा हिस्सा किसी और को ना देने के लिए ये जो हिस्सा है, मतलब क्या है समझो इसको, मान लो कि ये दोनों ने मिलकर 1.5 लाख रुपए कमाए, ये दोनों ने मिलकर, तो किसके आने से पहले कमाए, ये नए पार्टनर के आने के पहले ये 1.5 लाख रुपए कमाए। अब जैसे ही नया पार्टनर को एडमिशन देंगे तो पता ये 1.5 लाख में 1-2 इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, हालांकि इसने कुछ भी नहीं करा पैसा कमाने के लिए, सारी मेहनत किसने करे पैसा कमाने के लिए 1.5 लाख रुपए, पी और एस ने करे। और जैसे इसको एडमिशन दे दिए तो इसमें भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो समझदार की समझदारी इसी बात के अंदर है, फ्रिज में आइसक्रीम रखा है, बाजूवाले का बच्चा घर में आने से पहले कदम आठ आगे ले अपने को आएंगा, तो पहले का कर दो, बांट दो आने से पहले, नए पार्टनर को बिजनेस में आने से पहले ये पैसे को बांट डालो, वरना नया पार्टनर आएगा तो इसमें हिस्सा मांगा देना पड़ेगा तुमको, कायदा बनता है। इस वजह से पुराने को बंद करो, नए को चालू करो, क्योंकि जैसा ही अगर पुराने को बंद नहीं करे तो ये अपना हिस्सा मांगना मांगा, समझा। इस वजह से सारा ये रिवैल्यूएशन करना पड़ता है बिजनेस के, रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिवैल्यूएशन। या तो किसी को डाउट से बोलो तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें आपसे पूछना, मोटी मोटी पतली पतली नको, मोटा मोटी बात यह है कि वाई एडमिशन, मतलब मेरे को नए पार्टनर का बना, मैं नए पार्टनर्स के लिए फिर भी एग्जांपल बताऊं, ये मैं हूं, ये प्रियंका, ये सोनाक्षी, ये नया पार्टनर, ये सब दोनों मिला के कौन से पार्टनर हो गए, पुराने पार्टनर्स। तो हम नए पार्टनर को बिजनेस में क्यों देंगे बाबा, काई को बुलाएंगे पार्टनरशिप में, सोनाली को, सोनाली नहीं है, सोनाक्षी को, प्रियंका को मेरी जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसी क्या वजह थी। एक तो वजह क्या है, पैसे नहीं है, मतलब उसको इंग्लिश बोलो एडिशनल कैपिटल नहीं है हमारे पास, किसके पास में नहीं है, ये दोनों के पास में नहीं है। तो इस वजह से नए पार्टनर को अपने बनाया, हमको पार्टनरशिप कितने रहते हैं क्या रहते हैं सब पता है, फाइनल अकाउंट पढ़े हमने, लेकिन ये नहीं पता है एडमिशन क्यों होता है। तो एडमिशन करने की मुख्य वजह क्या है, एडिशनल पैसा, पैसा बनता भांडवल कैपिटल, समझा। दूसरी मेन वजह क्या है, कोई बोलेगा मुझे, बोलो, कोई शेयर हिट करना चाहे तो शेयर हिट करो, क्यों हम नए पार्टनर को बिजनेस में क्यों लेकर आए, आखिर क्यों लेकर आए, काम करने के लिए। तो काम करने के लिए तो थोड़ी सैलरी पे करेंगे ना, पार्टनर क्यों बनाएंगे उसको, हाँ, ज्यादा प्रॉफिट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए वही होगा एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे अपन, देखो इनका क्वेश्चन क्या है कि सर प्रॉफिट के लिए सोचो जरा, ए ने कमाया, ये पी और एस ने कमाया, प्रॉफिट कमाए 50,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, तो कितना हो गया, 30 इसका, ध्यान दिया, नए पार्टनर जैसे आएगा तो अब ये कितना होगा, 20 और 20, तो बनाएंगे, पहले कितना कमा रहे 30, अभी कितना कमा रहे 20, कहीं को बनाने का फिर पार्टनर, वो अपन बाद में देखेंगे, इसलिए बोला बाद में देखेंगे, ये भी एक वजह है बिजनेस पार्टनर बनाने की। चलो, रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क जब भी आता दिमाग में तो बच्चे लोग को लगता है लॉस, चलो लॉस में टर्म में बात करते, लॉस मतलब क्या, देखो ये बिजनेस को लॉस हो गया, लॉस हो गया 60,000 का, मुझे ना बिजनेस को लॉस हुआ, मेरे आने से पहले लॉस था कितने का, 60, मेरे आने के बाद में क्या होगा सोचो, 60,000 का लॉस हो गया, तो ये कितना लेगा, 30 प्रियंका, ये कितना, 30 बराबर,
मेरे आने के बाद फिर से लॉस हो गया 60 ईयर का, अब कितना होगा ये 20, 20 और मैं भी 20, बराबर। तो लॉस कम हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों को लॉस कोई नए पार्टनर के बर्डन पे चले गया, उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो लॉस कम हो रहा है, बस ये लॉस कम हो रहा है, तो इसी को बोलते रिस्क कम होना। कल को 6 लाख का लॉस हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा तो कम से कम बोझ कम होगा ना, हल्का हो जाएगा, तो रिस्क कम होना। और क्या लॉस बाबा? लॉस को बांटने के लिए हमने नए पार्टनर बनाया, और क्या? पार्टनर क्यों बनाएंगे? नए पार्टनर्स को बिजनेस करने की एडमिशन देंगे? सोचो, दिमाग पर जोर डालो, आंसर आ जाएगा। एक्सपर्ट नॉलेज, बड़ा जबरदस्त नॉलेज है छोरे के पास में। हम चाहते हैं कि ये बिजनेस में मेरे पार्टनर बन जाए। मैं भी चाहता हूं कि अगर किसी को एक्सपर्ट नॉलेज है तो मेरे अपने बिजनेस में पार्टनर बन जाए। मेरा एक फ्रेंड है, बड़ा खतरनाक है, उसकी जो मैथ्स है ना वो बड़ी जबरदस्त है। मैथमेटिक्स सिर्फ बुक्स में नहीं, वो प्रैक्टिकली बड़े अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता है। मतलब जब मान लो कि एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, वो आपको मालूम है कितना स्पीड से गाड़ी चलता है, कितना नैरो डिस्टेंस होता है, उसको एग्जैक्टली मालूम होता है कि मेरी गाड़ी कितना कितनी ब्रॉड है, कितना उसका शेप है, कितनी वो कितना उसका हाइट है, वीथ है, सब कुछ बराबर पता होता है। और उसकी डिस्टेंस कितना, मतलब कितने मेरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, सामने वाली गाड़ी कितनी तेज चल रही है, कि इतनी कम जगह में से, इतनी कम स्पेस में से क्या गाड़ी इतने जोर से पास होंगी, क्या धक्का तो नहीं बैठेगा, मिरर है, साइड का मिरर होते दो, उसकी भी पूरा सब कुछ मालूम होता है उसको। और उतने फास्ट में भी वो अच्छे अच्छे डिसीजन लेता है, नहीं इतना देखो टायर हल्का हल्का देखो बाहर जा रहा है, मतलब खाई की तरफ जा रहा है, एक टायर का इतना इतना हिस्सा बाहर गया, वो बैठे बैठे गाड़ी चला चलाते सारी बातें बोलता है, इतना इतना है, इतना उसका मैथमेटिक्स ज्योमेट्री इतना जबरदस्त है। ये तो ज्योमेट्री की बात हो गई, एंगल्स कितने होंगे, क्या होंगे, सारी बातें उसकी अच्छी है। और उसको तो बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर की गई थी, ये मार्केट यार्ड के अंदर जहां पर फ्रूट्स वेजिटेबल सेल होते, तो उसको पार्टनरशिप ऐसे ऑफर की गई थी कि आपको सवेरे 3 बजे जॉब के लिए आना है, मतलब पार्टनरशिप में आना है, सवेरे 3 बजे आऊंगा, 7 बजे चलाऊंगा, दिन का 5,000 रुपीज लूंगे, एक दिन का 5,000 रुपीज, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है बस, ये कितने माल जा रहे कितने माल जा रहे नहीं। तो उसके लिए मतलब कैलकुलेटर भी चाहिए और उसके लिए बड़ा तेज दिमाग भी चाहिए, कितने माल गए, कितने लोडिंग हुआ, कितना अनलोडिंग हुआ, बड़ा फास्ट कैलकुलेशन थे उसके, और बड़े फास्ट कैलकुलेशन करके बोल पाता था और एग्जैक्ट बोल पाता था कितने इतने हो गए, और बराबर टैली करके निकलता था। और उसकी आदत ही ऐसी है कि सारे काम वो उसी दिन में फिनिश करके चले आएगा। अगर वो बंदा मेरे बिजनेस के अंदर आए तो अच्छा है ना। अच्छा, और एक लास्ट एग्जाम्पल था, सोच देखो कोई 10 रुपये वाली चीज आपको 8 रुपये के अंदर बेच रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो 10 वाली चीज आपको 8 रुपये के अंदर बेच रहा है, तो क्या होगा? 2 रुपये का लॉस होगा? तो नहीं, वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट या उससे ज्यादा ही प्रॉफिट कमा के दे रहा है। आपने कभी सुने नहीं तो सुन लो, 10 रुपये की चीज अगर 8 रुपये के अंदर बेचता तो 2 रुपये का आप तो गारंटी बोलेंगे लॉस होता है, मैं बोलता हूं गारंटी प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तो आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना? रिलायंस कंपनी ने बहुत साल पहले मोबाइल लेकर था, जो 6,000-6,500 वाला मोबाइल 500-500 रुपए के अंदर बेच रहा था, वो टेक्निक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। फिर अभी जियो वाले ने करा है ना, 500 कितने रुपए के अंदर दे रहा है, 500 रुपए, 1500 के अंदर मोबाइल दे रहा है, वही 1500 रुपए में नहीं, 1500 वापस भी। तो क्या किया उसने ऐसा, वो टेक्निक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, जिससे आप 10 की चीज 2 रुपए 8 के अंदर बेचने पर भी 2 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। हाँ सुन लो फिर से, 10 की चीज 8 रुपए में बेच के 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है, आ सकता है। ऐसी कोई टेक्निक वाला बंदा जिसको टेक्निक मालूम आते और वो मेरे बिजनेस के अंदर आए तो मेरा बिजनेस फूलेगा फलेगा, बढ़ेगा आगे, यस बढ़ेगा आगे। ऐसे होता है, उसके लिए आपको इसकी स्टडी करना पड़ता है, ये कॉस्ट क्या है, ऐसा होता है। आप अभी 12th में हो तो आपको मालूम नहीं है, आगे की क्लास में जब जाओगे तो ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है, इसे तो दुनिया के लोग करते भी, पूरी दुनिया का क्यों नहीं बेचती सर 10 की चीज 8 के अंदर, है ना, 10 की चीज 8 के अंदर बेच के क्यों बोलते हैं हमको, बचपन से ये सिखाते कि लॉस होता क्यों, प्रॉफिट नहीं होता, वो टेक्निक से। उसके लिए बता ना आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, ये कॉस्ट। आपको कॉस्ट की, जब टेक्निक के बारे में तुम स्टडी करोगे, नॉलेज आएगा आपको, कॉस्ट है क्या, किस चिड़िया का नाम है,
तब आप ये डिसीजन ले सकते हो, वो अलग है कॉस्टिंग, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई नॉलेज, बंदा अगर मेरे बिजनेस के अंदर आए तो मेरे बिजनेस के न्यारे व्यारे हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटी रीजन है, एक्सेट्रा लगाता हूं आगे का पॉइंट नहीं पूछता हूं। तो ये मोटा मोटी तीन रीजन है जिसकी वजह से मेरा मुझे पार्टनरशिप में नया पार्टनर चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट से बोलो। फिर भी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पुराने पढ़े, आधा सा पढ़े हैं, और ये भी तीन जो मेन वजह पढ़े, ये भी तो आधे से पढ़े, हमको जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं। व्हाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, टेल मी, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा। बस ये मोटा मोटी कि क्यों नए पार्टनर को हम बिजनेस करने लेकर आते हैं। या तो किसी को डाउट से दे बोलो, कॉपी करना है किसी को, नहीं करना है? अरे वाह, मिटा दू, कॉपी करा करो, कॉपी करने की आदत डालो, क्योंकि ये सब नोट्स मेरे अपने हैं, अपने तो अपने ही रहते हैं, और एक बार जब पढ़ोगे तो सारी बातें भी, एग्जाम्पल प्रियंका और सोनाक्षी की, वो भी तुमको याद आएंगी। आजमा के देखो एक बार घर जाकर, लिखो when an incoming partner is admitted he acquire the following rights, baatein nahi hai, baatein nahi, following rights, जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो आते ही दो राइट मांगता है, दो अधिकार होते हैं उसके, देना ही पड़ेगा। अधिकार नंबर वन, ही और शिया, गर्ल्स को बुरा नहीं लगना चाहिए, ही का मतलब शी भी हो गया, बाकी मतलब मत निकलो। राइट्स अक्वायर इन, नहीं, राइट टू शेयर इन द एसेट्स राइट टू शेयर इन बातें नहीं प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो दो राइट होते, राइट लेफ्ट, इतने रहते उसके उसमें, दो राइट रहते, एक राइट कौन सा था, राइट टू शेयर इन एसेट्स, दूसरा था राइट टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो दो राइट्स हो गए उसके पास पे। क्या राइट है, जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो दो अधिकार ले लेता है, किस का अधिकार, राइट टू शेयर इन एसेट्स, एसेट्स में भी राइट मांगना, और दूसरा राइट टू शेयर इन प्रॉफिट फॉर acquiring, acquiring मतलब खरीदना, the first right, right मतलब boys जो गलत right सोच रहे वो नहीं, वर्ल्ड right नहीं, right मतलब अपना अधिकार लेना, for acquiring first right मतलब कौन सी, ये वाली, he मतलब she भी आ गया उसमें, he और she जान दो तुम भी क्या करेंगे, contributes capital, क्या क्या लिख जाता है, कैपिटल। नंबर टू, फॉर अक्वायरिंग द सेकेंड राइट ही और शी ब्रिंग्स गुडविल, अगर उसको एसेट्स में राइट चाहिए तो क्या लिखाना पड़ेगा, कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, अगर उसको प्रॉफिट में राइट चाहिए तो क्या लिखाना पड़ेगा, गुडविल लेकर आना पड़ेगा। तो दो नए टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है कैपिटल है और दूसरा क्या है, गुडविल है। तो अगर उसको एसेट्स में हिस्सा चाहिए, एसेट समझते आपको क्या,
वेरी गुड। तो अगर एसेट्स में उसको हिस्सा चाहिए, राइट चाहिए, राइट मतलब समझता जो लेफ्ट नहीं है, राइट मतलब उसका हिस्सा। मतलब क्या, देखो जैसा मान लो कि ये तीन दोस्त ने मिलके पैसे जमा करे, दस यार, दस यार, दस यार रुपए, कितना हो गए 30,000 रुपए, बराबर है। वो तीनों ने मिलके मोबाइल खरीदी करे 30,000 का, बराबर है। पार्टनर का नाम था ए बी सी, ये ए और बी पुराने पार्टनर्स मान लो और ये वाला नया पार्टनर, ठीक है। तो नया पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल जो 10,000 का दिया है वो किसके लिए दिया है, मोबाइल के अंदर भी उसका भी राइट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट्स। और अगर उसको फर्स्ट राइट चाहिए तो क्या देना पड़ेगा, कैपिटल देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब जाके एसेट्स आएगा, तो कहां से आता। दूसरा, अगर उसको प्रॉफिट के अंदर हिस्सा चाहिए, सेकंड राइट, सेकंड राइट कौन सी, प्रॉफिट की। अगर उसको प्रॉफिट के अंदर राइट चाहिए यानी हिस्सा चाहिए तो क्या लेकर आना पड़ेगा, गुडविल लेकर आना पड़ेगा। गुडविल का मतलब क्या समझो जरा, इसको नाजुक है जरा समझो। ए बी, ए और बी, ये पार्टनर को प्रॉफिट हुआ डैंग टैंग 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मान लो इक्वल पार्टनर है तो इसका कितना 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, समझा। मान लो कि अभी इन दोनों ने मिलकर मिस्टर एक्स को पार्टनर बनाए तो कितने पार्टनर इनके पास में, तीन, ए बी और ये वाला कौन सा पार्टनर, नया पार्टनर एक्स सी का इधर है। तो 60,000 का फिर दोबारा जिंदगी ना मिलेंगे, दोबारा फिर मिलेंगे, दोबारा 60,000 का फायदा हुआ। बेटा यह देख, अब इससे कितना 20, इससे कितना 20, इससे कितना 20। अब ये एक ए और बी चिल्लाएंगे, देख हम पहले कितना कमाते थे 30, अब कितना कमा रहे 20, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। बी बोलेगा अरे मेरा भी हाल यही है, पहले मैं 30,000 कमाता था, अब कितना कमा रहा 20, तो हमारी इनकम कम हो गई। किसके वजह से, मिस्टर एक्स के आने के वजह से, तेरे आने के वजह से हमारे जिंदगी में प्रॉफिट हो गया कम, बराबर है। मिस्टर एक्स के आने की वजह से, ठीक है तो कैपिटल लेकर आएगा सब बातें, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो कम हो रहा ना, तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है इस वजह से तुझे एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। हम अपने शेयर को क्या कर रहे, सैक्रिफाई कर रहे, ध्यान सुनो, सैक्रिफाई कर रहे, त्याग दे रहे, बलिदान दे रहे। देखो ना, पहले 30 कमाते थे, अभी 20 कमा रहे, तो कौन बलिदान दे रहा, ए और बी। सी की तो मिस्टर एक्स तो मत जा है, उसको एक्स्ट्रा 20,000 मिल रहे, बराबर है। तो बलिदान कौन दे रहा, ए और बी दे रहा। तो ये बलिदान देने के लिए, ये सैक्रिफाई देने के लिए, ये त्याग देने के लिए, बराबर है। तो वो पैसा मांगे ए और बी, उसको अपन क्या बुलाएंगे, गुडविल। ये बिजनेस में राइट लेने के लिए, मतलब एसेट्स लेने के लिए, एसेट में राइट लेने के लिए कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। ये तो बिजनेस के लिए हुआ, ये किसके लिए है गुडविल, तो पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए। समझ में आया। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट क्यों आता, क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाई कर रहे हैं। सैक्रिफाई हो रहा क्या, हो रहा है। तो इनका प्रॉफिट का सैक्रिफिकेशन हो रहा है, तो इस वजह से ए और बी बोलेंगे हमको तो अभी दे, जब आएगा तब आएगा प्रॉफिट, अभी तो हमारा नुकसान हो रहा ना, हमारा प्रॉफिट देख कम हो रहा है, तो तुझे हमारे सैक्रिफाई करने के लिए, त्याग के लिए कुछ बलिदान तुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देगा तू, तो एक कैपिटल लेकर तू क्या देगा, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। 20,000 को हम लोग क्या बुलाएंगे, गुडविल। क्वेश्चन पूछो, आपको कुछ सवाल था, बोलिए ना, मुझे समझ, आपको क्वेश्चन समझा ही नहीं। नहीं, क्यों वापस करेगा, ये एक्स्ट्रा पैसा ला, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा ला करेंगे एक ही टाइम पे पेमेंट है। अच्छा, इनका क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा और ट्विस्ट करके बोलता हूं। ये जो 20,000 रुपए का गुडविल है वो क्यों पे कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऐसा हर बार नहीं करना पड़ेगा, ये एक ही बार करेगा सैक्रिफाइस। कौन,
ये दोनों पार्टनर की अभी सेक्रीफाई कर रहे हैं और इनसे अभी से ही ए और बी एक्स से ज्यादा पैसा ले लेंगे और एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं, हर साल लेने वाले नहीं, एक ही बार लमसम बड़ा अमाउंट ले लेंगे उससे, ठीक है, बड़ा अमाउंट लेंगे, उस बड़े अमाउंट को अपन क्या बुलाएंगे, गुडविल बुलाएंगे। समझा मोटा मोटी क्या है गुडविल? तो गुडविल क्या है कि ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाई कर रहे अपने प्रॉफिट को, वो सेक्रीफाई के वजह से वो लोग अपना हिस्सा मांग रहे, वो लमसम अमाउंट मांग रहे सेक्रीफाई करने के लिए, तो ऐसे को बुलाते गुडविल। तुम भी सोचो ना, को अपने त्याग क्यों देगा, अपने प्रॉफिट को क्यों छोड़ेगा, उनका भी अपना स्वार्थ है, तो स्वार्थ क्या है, वो गुडविल है। प्रॉफिट के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछो इसमें। तो दो मेन बात है हम लोग को क्या पढ़ना है, एक तो कैपिटल है और दूसरा क्या है, गुडविल है, ठीक है, ये दो मेन वजह है। तो जब नया पार्टनर बिजनेस करने लगा तो कितनी चीज लेकर आता, दो, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। फिर से बोलू, फिर से, नया पार्टनर जब बिजनेस करने लेकर आता तो बिजनेस करने दो चीज लेकर आता, एक क्या लेकर आएगा, कैपिटल, और दूसरा क्या लेकर आएंगे, गुडविल, ये दो चीजें लेकर आएगा। और तीसरी चीज ये होंगी, उसके आने के वजह से बड़े सारे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाजू वाले का बच्चा घर में आएगा तो अपना भी हिस्सा मांगा, वो याद रखना, वो कल बताऊंगा मैं तुमको। तो ये तीन चीजें और पूरा अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म होता। फिर से बोलू, नया पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आएगा तो क्या लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल लेकर आएंगे। कैपिटल किसके लेकर आएगा, बिजनेस के एसेट्स के लिए, गुडविल क्यों लेकर आएगा, ये पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे इस वजह से अपना हिस्सा भी लेने के लिए, और प्रॉफिट जो सेक्रीफाई करे, ये दोनों सेक्रीफाई करेंगे तो उसको मिलेगा ना, तो ये वन टाइम का उनको सेक्रीफाई का अमाउंट पे करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल बुलाते हैं, ठीक है, वो गुडविल पे करेगा इन दोनों को। तो दो चीज लेकर आएगा, और तीसरी चीज ये दो क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स, नए पार्टनर के आने के वजह से बिजनेस में चेंजेस करना पड़ेगा, वो चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको भी शेयर देना पड़ेगा, शेयर नहीं देना हमको, इस वजह से नए पार्टनर को बिजनेस में आने से पहले चेंजेस करना पड़ेगा, यानी बिजनेस को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे, अपन कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली तीन चीजें करना है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, एक इसकी ये कैपिटल की एंट्री को देखना हमको, ठीक है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, तो ये दो चीजें नया पार्टनर लेकर आएगा, ये नए पार्टनर के लिए, ठीक है, नया पार्टनर ये चीज लेकर आएगा, और जो पुराने पार्टनर्स होंगे ओल्ड पार्टनर्स, ये नए पार्टनर के आने से पहले घर की जरा साफ सफाई करेंगे, उस साफ सफाई को हम लोग बुलाते रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब क्या, नए पार्टनर के बिजनेस में आने से पहले जो जो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने कमाए थे उसको वो बांट देंगे, इसका मतलब ये प्रॉफिट और जो भी लॉस हुआ है उसकी वापस से क्या करो, आप एडजस्टमेंट करो, ये प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट का ही एक और नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। फिर से बोलता, फिर समझो, नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो आएगा तो वो भी हिस्सा ले लेगा, तो हिस्सा नहीं देना हमको, इस वजह से हमको बिजनेस के जो भी प्रॉफिट लॉस थे नए पार्टनर के आने के पहले के, उसको अपने को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। जैसे कि ए और बी ने बड़ी मेहनत करके ये आइसक्रीम जमा करे, लेकर आए, खरीदी करके लेकर आए, किसने पैसा दिया इसके लिए, ए और बी ने, जैसे ये दोनों भी ये आइसक्रीम को एक्सचेंज कर रहे थे, समझ रहे ना, हाँ, तो सी झटके से बीच में आया, बोला मेरे को भी दे दो। अब ए को भी तो शेयर मिलेगा, बी को शेयर मिलेगा, लेकिन ये आइसक्रीम जो है वो किसके पैसे की है, ए और बी की, पता है, सी आया तो सी को भी देना ही पड़ेगा, इसमें हिस्सा देना ही पड़ेगा। दो जिगरी दोस्त पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा कुछ लगभग लगभग ऐसा रहता, इसने दो दोस्त ने बीच में से कैची मारे, हाफ तेरा हाफ मेरा, जैसे हाफ आपका बंटवारा करने गए तो झट से मैं आ गया, मतलब बस किया, वो जैसे बोल दिया अब वो हाफ अपने रहेगा, अब एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वन थर्ड का, बराबर ना। तो क्या हुआ, ये
पिज्जा का पैसा ए और बी ने दिए, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं आया मैंने बोला बस किया, तो मेरे को भी हिस्सा मिलने लगा। तो इनके मन में बड़ी उदासी आएगी, अरे हमने मेहनत करे, पैसे हमने लगाए, मजे किसने मार के लेके गया? सर ने, मेरी आदत थी। तो प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा ना हो इसलिए मेरे आने से पहले, क्या बातें, मेरे आने से पहले ही ये दोनों खा लेंगे या छुपा लेंगे, खा लेंगे या फिर छुपा लेंगे। बेस्ट ये कि छुपा दो, मेरे आने से पहले ही छुपा लो। मतलब क्या, बाजोले का बच्चा, अपना नहीं है, बाजोले का बच्चा घर में आएगा तो वही बोलेगा मुझे भी दो खाने के लिए। तो उसके आने से पहले या फिर खा लो या फिर छुपा लो। अगर उसकी नजर पड़ी, बड़ी पापी नजर है उसकी, अगर उसकी नजर पड़ी तो वो भी बोलेगा मुझे भी हिस्सा दो और आपको हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो बाजोले का बच्चा मतलब कौन सा, नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो बड़ी सी हलचल होंगी, उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, बोलेगा देव मेरे को। तो उसके आने से पहले क्या करो, बांट डालो, बराबर है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे रिडक्शन लेके, ऐसा तुम नहीं करते, तुम्हारा चेहरा बता रहा, जो करते मैं उनकी बात कर रहा है ना, रिडक्शन लेके बैठे, सुपरवाइजर आने से पहले चिट्टा को बाहर डालो, अगर होंगे तो वो भी बोलेगा मैं भी। तो नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस के अंदर जो कुछ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आप उसको बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझा? तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट कब होती, नए पार्टनर के आने से पहले, समझा? तो ये तीन काम करना पड़ेगा, कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, गुडविल लेकर आएंगे, नया पार्टनर लेकर आएगा, और क्या लेकर आना पड़ेगा हमको, प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब नए पार्टनर के आने से पहले चीजों को बांट दो, ठीक है? यहां तक डाउट से बोलो। अब इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं फिर तुम्हारी बात बोलता हूं कि बेसिक्स आना चाहिए तुमको अकाउंट्स का, बेसिक्स। अकाउंट्स का बेसिक क्या है, जब तुम फर्स्ट डे आए थे क्लास को कुछ दिन तक, तो मैंने यही बात बोला था कि अकाउंट्स का बेसिक्स हम लोग करेंगे, और अकाउंट्स का बेसिक्स ही पढ़ रहे हम लोग। मैं तुमको 12th कुछ इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि 11th का मिस ना हो, और हंसी मजाक में वो अपना 11th का भी कवर होते आ रहा है अपने आप। तुम देखोगे अपने आप ने कभी 11th पढ़े नहीं, सारे लेक्चर बाहर बैठ के निकाले, पास कैसे हो खुदा बेहतर जाने, पर 12th का जितना भी अकाउंट आता उसके बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि 11th का भी आएगा और आएगा। तो जब हमने बेसिक पढ़े थे, जब कभी पढ़े थे, तब मैंने कुछ बातें समझाया था, वो थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। याद है लेक्चर नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, बराबर? तो मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोला था, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं, आप देख लो। एक बार देखोगे तो तुमको ये जो आज की जो चीजें पढ़ने वाले हैं थोड़े एडवांस, तब पढ़े थे तब बेसिक थे, नन्ने मुन्ने थे, समझ में नहीं आ रहा था अकाउंट्स के, में क ख ग भी मालूम नहीं था, ए बी सी डी मालूम नहीं था, तो नए नए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या अकाउंट्स है। तो तभी तुमको बड़ी प्यारी प्यारी बात सुनाया मैंने, क्या समझाया कि देख बेटा ये पर्सनल अकाउंट होता है, तुमने बोले हो। मैंने बोला उसमें दो टाइप होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तुमने बोले हो। मैंने बोला उसमें एक फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द लेने वाला क्रेडिट द देने वाला, एक फॉर्मूला मैंने बताया, दूसरा फॉर्मूला ही बताया मैंने रियल अकाउंट का, समझ गया? उसमें फॉर्मूला क्या था, तो मैंने गाना गा के समझाया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। गोज आउट, बराबर? फिर मैंने एक और नाम रखा था नॉम है, याद आ रहा होगा आपको, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, अच्छा पढ़ाता मैं, देख लो। तो एक तो नॉमल का खर्चा मतलब लॉसेस, मतलब डेबिट, लॉसेस नहीं आए, लॉसेस है, और इनकम और गेन्स। अब तुम बड़े हो गए, गबरू जवान हो गए, अब तुमको समझ आने लगी, उस समय
तुमको समझ नहीं थी, प्लीज उस समय तुमको समझ नहीं थी, तो मैंने बड़े प्यारी प्यारी नादान नटकर बात बोला, देखो ये आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, पैसे आए मेरे पास करे कैश अकाउंट डेबिट, और बेचारे ने पैसा दिया कर गिवर। तुमने बोले हाँ बहुत अच्छा पढ़ा थे सर, लेकिन वो रियल अकाउंट से था, रियल अकाउंट इसके एडवांस वर्जन अब स्टार्ट होता है, तब क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बताया ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पूरा का पूरा बेसिक्स था, तो मुझे वही बात बोलनी पड़ी है जो गोल्डन रूल्स के अंदर है। पता है आपकी जो अकाउंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लगता है आपको इतना ईजी है क्या, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, अगर इतना आसान रहता तो सब लोग सीए बनते थे, बनते का क्यों नहीं। तो अकाउंट्स मेन जो है इसके आगे स्टार्ट होता है, ये तो गोल्डन रूल्स था। लो आज से हम लोग एक और रूल पढ़ेंगे, डायमंड रूल्स, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स। नाम तो सुनाऊंगा आपने, मेरे को लगता नहीं सुनाऊंगा। डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंट ये कौन सा था, गोल्डन रूल्स था, ये कौन सा है, डायमंड रूल। अभी क्या है सर, ये क्या मांजर लेकर आए, ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड मेथड, ओल्ड पुराना जुन्ना पुराना मेथड, ये नया मेरे जमाने का लेटेस्ट मॉडर्न अप्रोच आया, मॉडर्न अप्रोच, अप्रोच मतलब तरीका मेथड, मॉडर्न तरीका। ये पुराना था ये गोल्डन रूल्स, ये नया अपडेशन आया इसके अंदर। क्यों आपका फेसबुक, क्यों आपका व्हाट्सएप कुछ महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद अपडेट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, होता कि नहीं होता, होता है। आपके अब आपके फेसबुक और व्हाट्सएप को भी अपडेशन लगता, अरे ये भी बेचारा बोल रहा है मुझे 1614 सेंचुरी मनाए थे, अब 2017 चल रहा है, मुझे भी तो अपडेट करो, तो अपडेट करने वाले ने अपडेट करा और अपडेट करके नाम क्या रखा इसका, डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंट। समझा ये रूल क्यों बने, इसकी अपडेशन है बस वही है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, बट क्या है इसका अपडेटेड वर्जन है, ये अपडेटेड है, क्या अपडेटेड है, आपने ये तो देखे होंगे ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्म के अंदर। आपने ये भी देखे होंगे लायबिलिटी और एसेट्स, ध्यान देना सम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है, ये अपना खर्चा है, ये अपना इनकम है, करेक्ट, ये है लायबिलिटी, ये है एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट साइड, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड, लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट साइड और एसेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। मैं अभी साइड की बात कर रहा, साइड्स अकाउंट्स में दो रहते, एक था डेबिट दूसरा था क्रेडिट, बस दो साइड रहते, क्या तीसरा तुमने सुने, मैंने भी नहीं सुना, हमारे ख्याल कितने मिलते ना, तो एक होता है डेबिट दूसरा होता क्रेडिट, बस दो ही है डेबिट और क्रेडिट, बराबर है। अब मुझे ये समझाने के लिए मैं जब जब बोलूंगा लायबिलिटी बढ़ा, लायबिलिटी का मतलब क्या निकालोगे आप, क्रेडिट, जब जब बोलूंगा एसेट्स तो एसेट्स का क्या मतलब निकालोगे आप, डेबिट, जब जब बोलूंगा इनकम तो इनकम का मतलब क्या निकालोगे आप, क्रेडिट की बात कर रहे सर, जब जब बोलू खर्चा तो क्या मतलब निकालूंगा उसका, डेबिट, खर्चा मतलब डेबिट, इनकम वो देखो वही पढ़ रहे हम लोग, वही पढ़ रहे हैं, इनकम मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी मतलब कर्जा तो होता है, मीनिंग ने पूछा मैंने, साइड पूछ रहा हूं मैं, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड और एसेट्स मतलब डेबिट साइड, पक्का समझाइए। अब इसको देर गौर से देख लो, तो जब जब बुलाओ इनकम तो मतलब किसकी बात कर रहा हो, क्रेडिट की, जब जब बुलाओ खर्चा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेबिट की, ध्यान सुना, जब जब बुलाओ लायबिलिटी तो मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्रेडिट की, जब जब बुलाओ एसेट्स मैं मतलब बात किसी कर रहा हूं, डेबिट की, बराबर, ध्यान सुना, ये रूल क्या बोलता है, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, मॉडर्न अप्रोच बहुत काम का है, अगर आपको अकाउंट्स के आगे के चीजों को समझना है तो ये मॉडर्न अप्रोच से समझेगा। वो क्या है, खर्चा, खर्चा ध्यान दो, खर्चे का मतलब मेरे को सुनने कम आता, खर्चे का मतलब डेबिट, मैंने मीनिंग ने पूछा, मीनिंग तुमको मैंने बचपन से बता रहा, जब से तुम क्लास में आए, अब जवान हो गए ना, अभी थोड़ी देर पहले बोला, समझ बढ़ गई ना अपनी अकाउंट्स में, जब बच्चे थे तब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं बच्चे लोग को प्यार से बोलते रहे खर्चा मतलब एक्सपेंसेस, अब तो समझ में आ रहा है ना,
तो खर्चा मतलब डेबिट। देखो एक ये मेथड को समझने के लिए एक यूनिवर्सल रूल समझो, वो क्या है? वो रूल ये है कि अगर बड़ा तो सेम साइन, बड़ा तो सेम, घटा तो ऑपोजिट, घटा मतलब कम होना, यानी इंक्रीज होना तो सेम और डिक्रीज हुआ तो ऑपोजिट। मतलब क्या? देखो इधर फिर से बोलता हूं, एक्सपेंस मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट बढ़ गया, खर्चा बढ़ा मतलब डेबिट बढ़ गया, डेबिट बढ़ा तो मेरे आंसर कहना क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ गया तो फिर से क्या पड़ेगा आंसर के अंदर? डेबिट। एक्सपेंसेस कम हो गया, डेबिट कम हो गया तो क्रेडिट लिखाना पड़ेगा, ठीक है? एसेट्स, एसेट मतलब क्या? डेबिट साइड, एसेट मतलब डेबिट साइड, एसेट बढ़ गया मतलब डेबिट पे आओ, ठीक है? एसेट्स कम हो गया मतलब क्रेडिट पे आओ, क्योंकि एसेट्स का मतलब डेबिट साइड। अगर मैं ये बोल रहा हूं एसेट्स बढ़ गया तो तुम्हारे दिमाग में क्या अनुमान था? मतलब डेबिट बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया तुरंत क्या आ जाओ? क्रेडिट के ऊपर आओ, बराबर है? अगर बोलू कि एसेट्स कम हो गया तो तुम तुरंत क्या होंगे? क्रेडिट के ऊपर आओगे। तो देखो इसको ये आपकी एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट पे, ठीक है, बराबर है? एसेट्स अगर कम हो गया तो क्रेडिट के ऊपर, बस दो दो बार लिख के देता हूं। खर्चा बढ़ गया तो डेबिट पे, खर्चा कम हो गया तो क्रेडिट के ऊपर, ऑपोजिट साइड पे आने का याद रखो, ध्यान दो। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, बढ़ गया सबाश क्रेडिट, बढ़ गया तो सेम, घट गया तो ऑपोजिट। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट बढ़ गया क्रेडिट, एग्जाम में इन्हें बोलेंगे क्रेडिट बढ़ गया, बोलेंगे लायबिलिटी इंक्रीज्ड तो तुम क्या बोलोगे उसको? क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज्ड, डर मत, जितना दिख रहा है वैसा है नहीं, हो एकदम आसान है। इनकम देखो क्या, इनकम क्रेडिट है, इनकम इंक्रीज्ड वेरी गुड क्रेडिट, इनकम डिक्रीज्ड डेबिट। तो इसको सबको क्लब कर दूं मैं, ऐसा पकड़ लूं तो देखो क्या होगा, एक्सपेंसेस प्लस एसेट्स, बराबर? एक्सपेंस और एसेट्स, देखो जरा इधर ध्यान से, एक्सपेंस है डेबिट पे और एसेट भी किधर है? डेबिट पे। ये अगर बढ़ गए तो डेबिट, ये तीनों भी कहां पर, ये दोनों भी कहां पर है? डेबिट पर है ना, डेबिट बढ़ गया तो डेबिट, डेबिट कम हो गया तो क्रेडिट, ये डेबिट अगर कम हो गया तो क्रेडिट, बराबर? इनकम सुनो ना, इनकम और लायबिलिटी ये क्रेडिट है, बढ़ गया तो क्रेडिट, ये है तो ये, घट गया तो डेबिट, ये पूरा फॉर्मूला है। और इसको ही मत पढ़ो, बोलता हूं बढ़ गया तो सेम, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, घट गया तो ऑपोजिट, डेबिट है तो क्रेडिट पे आ जाओ, क्रेडिट है तो डेबिट पे आ जाओ, समझा? तो ये कौन सा तरीका था? ये मॉडर्न अप्रोच था। और ये कौन सा मेथड था? ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है, इंग्लिश मेथड बोलते हैं उसको, ये वाला। खैर इसमें किसी को डाउट से दे बोलूं, क्या है, मैं चाहूं तो तुमको 5 मिनट के अंदर ये पूरा आधे घंटे के अंदर समझा दूं, वो समझ भी आएगा तुमको, वो तुम भी बोलेंगे भाव सब समझ गया, सब सब कुछ समझ गया, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझाना तुमको, समझा लेकिन अकाउंट नहीं समझाना। और करियर बनने वाला तुम्हारा अकाउंट को समझने पर, सम्स को समझने पर, 12th पास होंगे, जिंदगी की लाइफ के एग्जाम्स को पास नहीं होंगे, और वो मेन एग्जाम से, और उसको पास होना अपने को अकाउंट समझ में आने बनता, वो जरूरी है। और उसको समझने के लिए ये तो कोई भी समझेगा ना, मैं अगर 6th-7th standard के बच्चे को अगर बुला के बोल दूं कि देख आया तो डेबिट डाल, गया तो क्रेडिट कर, तो वो तो कर देगा, उसको भी आएगा। इसमें ऐसा क्या है?
तो ट्वेल्थ में आए करके तो अपने सिलेबस में उसने ये सारी की बात डिस्कशन नहीं करा, उसने डायरेक्ट ये टॉपिक्स के ऊपर है, जितने भी चैप्टर्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़कर वो सारे के सारे यही रूल के ऊपर चलते, ये मॉडर्न रूल के ऊपर चलते। आपको लगता है कॉपी करना है, कॉपी करो, फिर आगे की बात आगे करेंगे।